दोस्तों अभी हम आ चुके हैं नागपुर कोराडी मंदिर, जो नागपुर सिटी से 15 किलोमीटर पे है। और अभी आप देख सकते हो कि रात का टाइम है और लोग भी काफ़ी आए हैं। वैसे पहले के मुकाबले काफ़ी गर्दी कम है यहाँ पे, जो पहले भीड़ होती थी अभी उतनी नहीं है, क्योंकि कोविड के रूल्स यहाँ पे है। जैसे डबल वैक्सीन वालों को अंदर आने दिया जाता है, छोटे बच्चे अलाउड नहीं है, 65 अबव एज के लोगों को अंदर परमिशन नहीं मिलती है। तो इसके लिए लोगों में वो डर भी है कि हमें एंट्री मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, इसके लिए भी लोग नहीं आते हैं। जो घूमने के पर्पज़ से आ रहे हैं वो आ रहे हैं, लेकिन दर्शन के पर्पज़ से काफ़ी लोग रुक रहे हैं, क्योंकि एंट्री नहीं मिली तो वापस आना पड़ेगा इसके लिए। और ये मंदिर का मुख्य द्वार है, बाकी परिसर बहुत बड़ा हो चुका है जो रिनोवेटेड हुआ है। सो गाइस, यहाँ पे चप्पल जूते का स्टैंड दिया हुआ है, यहाँ पे चप्पल जूते उतारने का है। और ये मंदिर है, अभी हम यहाँ पे दर्शन के लिए जाएंगे। इसके लिए रास्ता जो है इधर से है, आप देख सकते हो। यहाँ पे वैक्सीन सर्टिफिकेट या तो मोबाइल में दिखाओ, या तो फिर आपके पास सर्टिफिकेट अगर कागज़ में है तो वो यहाँ पे दिखाना पड़ता है, तब एंट्री मिलती है। और यहाँ पे इतनी दुकानें हैं, पूरा सेफ्टी का, पुलिस वगैरह की वैन लगी हुई है जहाँ पर पूरा सेफ्टी का दिया हुआ। और इधर में महाप्रसाद मिलता है उपास का, वो यहाँ पर मंदिर में हमें जाना है, तो अभी इधर से एंट्री करते हैं और दर्शन करने के बाद फिर मिलते हैं। सो गाइज, अभी हम जो है एंट्री हो चुकी है, फर्स्ट डोज का वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया है, तो एंट्री मिल गई है। और यहाँ से अभी पूरा खाली है, जैसे कि आप देख सकते हो सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे भी दिया हुआ है, लेकिन पूरा खाली है। तो अभी अंदर चलेंगे और देखेंगे। तो यहाँ पे पानी में से जाना है। तो देख सकते हो यहाँ पे पाव धोने के लिए दिया हुआ है, 6 मीटर से अंतर ठेवा। पूरा परिसर खाली दोस्तों, देखो पूरा खाली है और कितना खूबसूरत लग रहा है। शॉर्टकट भी जा सकते हैं अंदर से घूम के, बट हम घूमते घूमते जाएंगे। जबकि नवरात्रि में ये पूरा पैक रहता था और यहाँ पे इतनी गर्दी हुआ करती थी ये टाइम पे, और सब लोग जो है जयकारे लगाते थे जय माता दी की, यानी बहुत जोर जोर से। बट यहाँ पे पूरा शांत है और यहाँ पे लोगों को ज़्यादातर रुकने भी नहीं देते, फटाक से दर्शन के कि बाहर निकलने के लिए लगाते हैं, अंदर में स्टे भी नहीं करना होता है। तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है वैसे, लेकिन रश नहीं है तो मज़ा नहीं आ रहा है। जो पहले लाइन में लगते दो दो घंटे के बाद में दर्शन होते थे, वो फीलिंग और वो माहौल ज़बरदस्त हुआ होता था। तो शॉर्टकट है, क्योंकि यहाँ पे अभी गर्दी ही नहीं है, तो किधर से भी घुस जाओ कोई टेंशन। दोस्तों यहाँ हमने गिम्बल वगैरह नहीं लेके आए हैं, बिकॉज वो ज़्यादा प्रोफेशनली हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। शुरू करो, किसका कैमरा अच्छा है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी खूबसूरत लग रहा है, और पूरा मंदिर जो है बहुत ही अच्छा लाइटिंग लग रहा है, पूरे चारों तरफ में लाइट लगे हुए है और गाना भी बज रहा है साथों साथ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी यहाँ से दर्शन भी होते हैं, यहाँ से देवी भी दिखती है, लाइट लगी है, रुक रुक के एंट्री मिल रही है इसके लिए। जय माता दी, जय माता दी।
यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा लग रहा है माहौल की गर्म हो गया है क्योंकि बाहर जो लाइन लगी रहती थी वहाँ तो लाइन थी यहाँ पे चिल्ला नहीं सकते बात चिल्ला तो कोई रहेगा तो चिल्लाएंगे ना तो यहाँ पे लग रहा है और यहाँ पे देवी के दर्शन हो जाएंगे मैं आपको दिखा दूंगा क्योंकि अंदर में अलाउड है उसका कोई ये नहीं है फोन से लोग फोटो वीडियो ले रहे हैं तो अंदर मैं आपको दिखा दूंगा और फर्स्ट वैक्सीनेशन अगर हो गया है तो कर सकते हैं आपको एंट्री मिल जाएगी बाकी जो कलर है वो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है मंदिर में लाइटिंग चमक रही है और अभी भी मंदिर का काम जो है होना बाकी है थोड़ा फिनिशिंग क्योंकि बहुत बारीक डिजाइन की गई है तो सच में बहुत मज़ा आएगा दोस्तों बहुत अमेजिंग दोस्तों यहाँ जो मंदिर की आप डिज़ाइन देख रहे हो पिलर पर यह डिज़ाइन यहीं पर बनाई गई है बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे लाए गए थे और फिर जो है पूरी कारीगरी यहीं पे की गई है काफ़ी दिनों से काम इसका चालू था और बहुत धूल उड़ती थी जब यहाँ पे काम चालू था और बहुत शोर होता था मशीनों का भी क्योंकि इसको बनाने में उतना ही टाइम लगा है जितना ये खूबसूरत दिखाई दे रहा है तो सच में बनने के बाद में बहुत ही अमेजिंग है कभी सोचे नहीं थे कि इतना भी खूबसूरत इस मंदिर को आगे बनाया जाएगा जो आज दिख रहा है ये पुराने एक महल की तरह और बहुत पुराने मंदिर की तरह आपको डिज़ाइन इसकी दिखाई देंगे गाइज़ अभी हम मंदिर में हैं और इधर में आप देख सकते हो पीछे में देवी है तो यहाँ से देवी के दर्शन होते हैं और बहुत अच्छा मंदिर है यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है हर कोई के हर किसी का स्मार्टफोन में तो फोटो वीडियो तो लेते ही है हर कोई बहुत प्यारा लग रहा है पूरे मंदिर का बाकी आपका तो मैं वीडियो दिखाता हूँ ठीक है दोस्तों पूरा मंदिर देख के आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि आप महल में घूम रहे हो और बहुत ही सुंदर है अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एक ज़रूर कर दीजिएगा बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करें जिन्होंने नहीं देखा है और जो नहीं आ सकते उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाए और माता रानी के दर्शन ज़रूर करा दीजिए यहाँ पे घट रखे गए हैं और यहाँ घट आप देख सकते हो काफ़ी कम लग रहे हैं जो हर साल होते थे
हजारों की संख्या में घट स्थापना होती थी, लेकिन इस बार जो है सिर्फ यहाँ पे टोटल 725 ही घट मंडाए गए हैं। कोविड का असर साफ आपको दिखाई दे रहा है, नहीं तो पहले इतने घट होते थे कि ये एक हॉल भी कम पड़ जाता था और दो तीन हॉल में घट रखे जाते थे, लेकिन इस बार ये हॉल भी फुल नहीं हुआ। गाइस दर्शन हो गए हैं माता रानी के, और दर्शन करके बाहर निकले हैं हम लोग, और बाहर यहाँ पे महाप्रसाद चालू है जैसे कि आप देख सकते हो। साथ में अंकेश भाई है, सब्सक्राइबर है अपने, ठीक है, तो इनके साथ में हम यहाँ पर आए हैं। तो अभी हमारा प्रसाद लिए है, और ये प्रसाद का हॉल आप देख सकते हो, काफ़ी बहुत ये यहाँ पर प्रसाद वितरण होता है। ये प्रसाद वितरण वाला हॉल है जो काफ़ी बड़ा हॉल है, परमानेंट हॉल है ये बनाया गया, यहीं पर पूरा प्रसाद वितरण होता है। उधर में आप देख सकते हो, उधर में प्रसाद वितरण हो रहा है, और उधर से लोग लेके फिर इधर बैठ के आराम से खा रहे हैं। तो यहाँ पे गन्ने का जूस पीने के लिए रुके हुए हैं। ऐसा है मंदिर, अभी आपने पूरा देखा है और बहुत अच्छा है। यहाँ पे अभी दुकानें लगी है इधर साइड में, इस साइड में अगर आप देखोगे तो पूरी दुकानें आपको नजर आएंगी पीछे तक के, और बहुत बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ पर मेडिकल की टीम भी है, आप देख सकते हो, एक यहाँ पे डॉक्टर्स भी है जो अगर कोई दूर से आते, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, थकान है, यानी जो भी प्रॉब्लम है, तो उनके लिए यहाँ पे डॉक्टर्स भी है, पूरा ट्रीटमेंट चेकअप हो जाता है। तो ये सारी फैसिलिटीज है, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे है, हर जगह पे जो है सैनिटाइज दिया हुआ है, सैनिटाइजर देते रहते हैं, तो बहुत बढ़िया लगता है। तो काफी मजा आएगा, एंजॉय करो दोस्तों इस वीडियो को।